श्री राजू बिष्टा जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के कुछ संशोधन के साथ जो आज की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जब लागू हुआ था, उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था सर। एमिशन की कोई चिंता बहुत बड़ा विषय नहीं रहता था और कार्बन न्यूट्रलिटी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, और ख़ास करके वनवासियों के अधिकार, उनके पारंपरिक आजीविका और वनों पर उनकी जो निर्भरता है उनको मान्यता नहीं दी गई थी। आज इन सभी विषयों की आवश्यकता बढ़ी है और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है, और जहाँ पहले सिर्फ संरक्षण की बात होती थी, आज जो है संवर्धन की बात भी हो रही है। सर, बिल जो है जेपीसी में भेजा गया था और आपकी नेतृत्व में 31 सदस्य वहाँ पे मौजूद रहे, और बहुत अध्ययन के बाद, सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करने के बाद, और विशेष करके जो बॉर्डर के स्टेट्स है, हिली स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, और डेवलपमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉडीज़ के इनपुट लेने के बाद और उन सभी सुझावों को इसमें शामिल करने के बाद ये बिल प्रस्तुत किया गया है। और कुल मिलाकर के सभी तरह के अगर कमेंट्स और इनपुट देखे तो 1309 के आसपास जो है कमेंट्स हम सबको मिले थे। सर, फ्यूचर जेनरेशन के बारे में भी चिंता करना ये बहुत आवश्यक है, और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि विकास के साथ साथ संतुलन बनाना सीखना होगा, और इस बिल में उसका भी प्रावधान है। और इतना ही नहीं सर, कि फॉरेस्ट में हजारों जो है फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी है, इनका जीवन और आजीविका वनों पर ही निर्भर है, और फॉरेस्ट बेस्ड जो कम्युनिटी है उनको पहचानने और उनकी रक्षा करने की अति आवश्यकता है, और संरक्षण प्रयासों के बिना वो पीढ़ियाँ जो है प्रकृति के साथ इससे पहले भी साथ रही है, और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम्युनिटी ने वनों की जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है उसको आज तक कायम रखा है। ये शायद पहली बार है जब फॉरेस्ट कम्युनिटी के अधिकारों को बहुत स्पष्ट स्पेसिफिक रूप से जो है परिभाषित इस बिल में किया गया है। इतना ही नहीं सर, जब ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है उसके साथ करेंट इन्वायरमेंटल रियलिटीज़ को देखते हुए एमिशन को कम करना ज़रूरत है, और एमिशन से जो उत्पन्न खतरे हैं उसको कम करना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का राष्ट्रीय लक्ष्य की कल्पना की है, और उसके लिए जंगलों की कार्बन सिंक कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, और नेट जीरो एमिशन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें 2030 तक अतिरिक्त 2.53 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है कार्बन सिंक विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी। देश भर में 1/3 से ज़्यादा लैंड एरिया को फॉरेस्ट और ट्री से कवर करना होगा। कार्बन सिंक का विकास ट्रेडिशनल फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं रहे, इसके लिए जो है प्राइवेट पार्टी को भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की, अपनी भूमि पर वो वन उगा सके, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया गया है, और गैर वन भूमि को वृक्षारोपण से भर दिया जाए, इसके लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। ये बिल देश के ओवरऑल फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए सक्षम है, और इतना ही नहीं, ये बिल सुनिश्चित करती है कि लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी कि इन्वायरमेंट और जो है नेट जीरो टारगेट को पूरा करने में हमें सफलता मिले। सर, इतना ही नहीं, ये बिल बहुत सारे प्रावधान के साथ साथ एक प्रावधान ये भी सुनिश्चित करता है कि फॉरेस्ट लेन का कोई दुरुपयोग ना कर सके। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, गोरुमारा हो, महानंदा हो, बक्सा हो, लाथागुड़ी नेशनल पार्क और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो डुअर्स में पड़ते हैं, आज वहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा रिजॉर्ट बने हैं, और ये रिजॉर्ट जो है कोर फॉरेस्ट एरिया में बनाए गए हैं। ये कैसे संभव हुआ इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। राज्य सरकार ने अपने मित्रों को कौड़ियों को दाम
ये जमीन दे करके वहाँ पे इस तरह के जो है रिजोर्ट बनाए हैं, और समय समय पर केंद्र सरकार अपने जो है पावर का यूज करते हुए और वहाँ पे जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी प्रावधान करता है। सर, बिल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो परियोजना है, खास करके विशेष करके एलएसी हो बॉर्डर एरिया के विकास कार्य में तेजी लाने के लिए हमें मदद करेगी। डिफेंस समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। या रेल लाइन हो या पब्लिक रोड हो, नेशनल सिक्योरिटी के कार्य करने में भी हमें ये बिल मदद देगी। सर, मैं यही समाप्त करता हूँ इस बिल को, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सहमति के साथ ये बिल पारित हो।